हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके लिए थाली पोस का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि इसका डिज़ाइन हमने पार्ट वन में इसको इतना डिज़ाइन डालना बता दिया है। तो आइए, इसके आगे का इसके ऊपर डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, बनाना है उसको मैं अब आपको बनाना बताऊँगी। दोस्तों, इससे कि पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दें। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से बनाना है, सिंपल ही बनाना है, तो आप इसी तरीके से बुनते चले जाएँगे, ये बढ़ता जाएगा और आपका थाली पोस भी बड़ा हो जाएगा। जितना आपको बनाना हो आप बना लें, इसके बाद इसमें किनारी बना दें। तो आइए अब इसके आगे का बेल, जो इस पर मैं बेल डालने वाली हूँ, इस पर वो आपको अभी बनाना मैं बताऊँगी। दोस्तों, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 बुना है। तो इसके बाद अब हमें इसके ऊपर का डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे ये कंप्लीट अब हो गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारे ये जो 4 डबल क्रोशिया बने हैं, इसके बीच में हम क्या करेंगे, 1 2 देखिए इस तरीके से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। ये 3 हमारा हो गया डबल क्रोशिया, 4। इसके बाद क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे, 1 2 2 चैन हो गया किनारे, इसमें फिर हम 4 क्रोशिया बुन लेंगे, 1 2 धागा लपेटेंगे और इसमें ले जाके इस तरीके से निकालेंगे, ये सिंगल क्रोशिया और ये 2 बार बुनेंगे डबल क्रोशिया, ये हमारा हो गया हो गया। फिर अब हमें चैन बनाना है, तो इसमें चैन बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे और इसके बीच में हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, बीच में 2 चैन लेंगे, इसमें 2 चैन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसके बीच में क्या करेंगे, किनारे हम यहाँ पे 4 क्रोशिया बुनेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है अब उसी तरीके से इसमें भी बनाते चले जाना है। इस लाइन को हमें इसी तरीके से रिपीट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 2 बनाया है, 4 4 क्रोशिया बीच में चैन लिया है और 3 3 को छोड़ के हमने 2 डबल क्रोशिया 5 चैन बनाया है। इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं एक बार आपको फिर बनाऊंगी। इसमें 4 डबल क्रोशिया हो गया, बीच में 2 चैन, 1 2 और फिर इसमें 4 क्रोशिया हम बुनेंगे, 3 इसमें 3 हो गया और ये 4। इसके बाद क्या करेंगे, 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन हो गया, बीच में बिल्कुल इधर से 1 2 3 छोड़ेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया, 2 चैन और डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5 और किनारे हम 4 क्रोशिया बुनेंगे, जिस तरीके से यहाँ बनाया है। तो मैं बना के आगे का दिखाती हूँ। दोस्तों, अब ये हमारी पूरी लाइन अब कंप्लीट हो गई है। अब इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बना है इसमें 4 क्रोशिया इसमें हम बुनेंगे, 2 3 और ये 4, फिर क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे, 1 2 2 चैन लेंगे और बीच में 1 क्रोशिया हम बुनेंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 और इसमें 4 क्रोशिया बुनेंगे हम, ये हमारा ये किनारे से इसी तरीके से ये जाएगा। दो तीन चार, यानी कि इसमें 4 हमने बुन दिया इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे अब हमें बुनते चले जाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 चैन लेंगे,
फोर चेन लेने के बाद इसमें सिक्स डबल क्रोशिया बुनेंगे इसमें, जो कि टू हो गया, वन टू डबल क्रोशिया, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गया। इस तरीके से हमें बुनना है, फिर वन टू थ्री फोर, फोर फोर चेन बनाएंगे और इसमें फोर डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू हो गया, थ्री और फोर, फिर दो चेन लेंगे, वन टू फोर, इसमें हम बुनते चले जाएंगे और दो चेन लेने के बाद इसके बीच में हम वन क्रोशिया बुनेंगे, फिर दो चेन लेंगे और इसके बीच में हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर डबल क्रोशिया हो गया हमारा, इसमें फोर चेन, वन टू थ्री फोर और इसमें सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया हो गया, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चेन और इसमें फोर क्रोशिया बुनेंगे। इस लाइन को इसी तरीके से हमें दोहराते चले जाना है, तो मैं इस लाइन को बना के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अब हमारा यहाँ पे ये पूरा लाइन अब कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने ये बुन लिया। अब क्या करना है, हमने फोर इसके बीच में डबल क्रोशिया बना लिया है, दो चैन लिया है। अब सेम तरीका हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है इसके बीच में इसी तरीके से हमें बनाना है। तो हमने सिंगल डबल क्रोशिया इसमें बुन दिया है, वन चेन लेंगे और इसके किनारे हम बुनेंगे, दो चेन लेंगे, दो हो गया हमारा और इसके बीच में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसमें हमने फोर क्रोशिया बुन लिया है। तो दोस्तों इसका ये है, ध्यान हमें यहाँ पे अब देना है, ये तो हमारा बिल्कुल जैसे ये बुना है उस तरीके से ये चला जाएगा ऊपर तक। फिर वन टू थ्री चेन लेंगे और इसके किनारे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया, वन चेन, इसके बीच में डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, डबल क्रोशिया, वन चेन, इस तरीके से बुनेंगे अब हम। फिर थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन हो गया, इसके बीच में हम फोर बुनेंगे, जैसे कि हम बुनते चले आ रहे हैं नीचे से उसी तरीके से हमें इसमें बुनना है। ये हमने फोर इसमें स्टिच बुन दिया है, वन टू चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, वन चेन और इसके किनारे डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और इसमें फोर बुनना है। दो तीन चार, यानी डबल क्रोशिया हमने बुन दिया। इसी तरीके से ये पूरे लाइन को हमें कंप्लीट करना है, तो मैं आगे का बना के दिखाती हूँ। फिर वहाँ पे दो हम चेन थ्री चेन लेंगे और इसके बीच में एक एक इसी तरीके से हमें बुनना है। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये हमारा अब लाइन अब कंप्लीट हो गया है, हमने यहाँ पे बुन लिया है इस बार फोर क्रोशिया। अब देखिए दो चेन यहाँ पे लिया है और सिंगल डबल क्रोशिया हमने बुना है, अब इसके बीच में बुनना है, जैसे कि हमने नीचे बुना है उसी तरह से एक चेन लेना है और इसमें डबल क्रोशिया बुनना है, फिर दो चेन लेंगे और इसमें फोर क्रोशिया बुनेंगे, वन टू हो गया, थ्री फोर हो गया, वन टू चेन लेंगे
अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है क्या करना है, ये डिजाइन का लास्ट लाइन है, इसमें इसमें फोर क्रोशिया बुनना है। दो चेन लिया हमने, अब 1 2 3 4, फिर इसमें भी फोर क्रोशिया, 1 2 3 4, यानी कि ये जो हमारे ये जितने भी बने हैं उसमें फोर फोर क्रोशिया हमें बुनते चले जाना है। फोर इसमें भी हो गया और इसमें भी फोर बुनेंगे। इसके बीच में हमने फोर फोर क्रोशिया इसमें बुन लिया है, फिर हम दो चैन लेंगे और ये जो जैसा है इसमें फोर क्रोशिया बीच में बुनेंगे। दो चैन लेंगे और ये हमारा किनारे उसी तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। डबल क्रोशिया, 1 चेन, इसके बीच में डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, डबल क्रोशिया, इसमें हमने फोर फोर क्रोशिया डबल क्रोशिया डाल लिया। यहाँ पे 2 चेन लिया है हमने और इसमें फोर क्रोशिया, 2 चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, इसी तरीके से इसको हमें बुनते चले जाना है। तो पूरा मैं लाइन आपको बना के दिखाती हूँ दोस्तों। अब ये हमारी अब लाइन कंप्लीट हो गई है। अब फिर इसी के जैसा हमें इसके ऊपर 3 बनाना है, जो ये इतना हमने बनाया है तो 1 हो गया, इसी जैसे इसके ऊपर 3 बनाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से इस डिज़ाइन को हमें सेट करना है। ये जैसे है वैसे ही हम बुनते चले जाएंगे, हमारा किनारे से एक एक बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने 4 बुन लिया है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे और इसके बीच में बिल्कुल हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, बीच में हम 2 चैन लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 3 ये बेल इस पे के ऊपर हमें बनाना होगा। तो मैं सारा आपको बना के दिखाऊंगी। इसी तरीके से ये हमारा थाल पोस बुनता चला जाएगा। दोस्तों ये हमारा थाली पोस बन के रेडी हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही नया है, नया डिजाइन का ये थाल पोस है। तो आपको देखिए हमने इस पे 3 बेल हमने इस पे सेट कर लिए हैं, तो ऐसे ही बनाना है। अब इसके बाद आप इस पे कोई भी आप किनारी दे सकते हैं, या तो ये वाला किनारी दे दें या तो ये हमारा 4-4 का इसमें किनारी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे थाल पोस बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर हमारा ये थाल पोस और हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले। और शेयर करना ना भूले और कमेंट भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।